मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड लगाया था यहाँ पे सेल का, इस बेसिस पे कि यहाँ पे गया तो रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे डिमांड गया रिजेक्ट हो गया, फिर डिमांड गया फिर रिजेक्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पे करीब आपका सेल्स का लगाया था क्योंकि मुझे डाउट वो एक्सपेक्टेशन था कि नीचे जाएगा, लेकिन मैंने साथ ही साथ स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया था ऊपर में, तो मेरा वो ट्रेड एक्चुअली लॉस में जाके स्टॉप हिट होकर बंद हो गया और 1.74 डॉलर का मेरा लॉस हो गया। उसके बाद मैंने उसी वक्त मैंने एक और ट्रेड रेज किया यहाँ पे जहाँ पे मेरा लॉस हिट हुआ, उसके कुछ समय बाद मैंने जब देखा तो मैंने यहाँ पे परचेस का बाई का लॉन्ग का बेसिकली मैंने ट्रेड बुक किया है। वो मैंने क्यों बुक किया है, अगर आप देख सकते हो नीचे टाइम फ्रेम, या टाइम फ्रेम दिख रहा होगा नीचे 14 जून, तो मेरा 12 जून में जो 14 जून स्टार्ट हुआ जो पहला ट्रेड कैंडल मतलब 1 आवर का, वो सबसे हाई यहाँ अपना था, ठीक है, उस पर लो जा रहा था सीधे 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 सीधे, फिर हाई गया फिर लो गया, लेकिन जैसे ये इस हाई को ब्रेक किया तो एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है मैंने पीछे भी देखा रहे यहाँ पे यही लेवल था, इधर भी पास का भी लेवल, मॉर्निंग में मैंने दिखाया था पास में यही लेवल था कि इसी लेवल पर से ये अप पे टर्न किया था, तो ये एक लेवल पहले का मेरे पास था ही, और अभी का भी लेवल आ गया अभी आज का हाई ब्रेक होने पे, तो मैंने यहाँ पे बाई का परचेस का लॉन्ग का पोजीशन ऐड किया मैंने यहाँ पे, और मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल ही नीचे में डाल दिया आज का जो सबसे लो से स्टार्टिंग वाला वहां से, तो अब मैं चाहता हूँ अपना इसमें MT4 में, तो मैंने यहाँ पे जैसे बताया मैंने वो बाई का पोजीशन डाला, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया सबसे लो पे, और ये 2.49 का लॉस स्टॉप है, तो प्रॉफिट मैंने डबल 4.95 पे डबल मैंने ले लिया 1:2 का रेशियो पे, और उसके बाद से ये डाउन गया पहला, फिर अप गया है, फिर डाउन आया, फिर अप गया डाउन आया, अब लगातार ये 3 डाउन दिख रहा है मेरे को। अब मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ या नहीं करूँ मैं सोच रहा हूँ, तो मेरा अभी का ट्रेड का देखा जाए पोजीशन, तो अभी ट्रेड का पोजीशन मेरा पॉइंट प्रॉफिट 86 सेंट में है। ₹86 प्रॉफिट में, जो कि 151.50 पे जा चुका था। $1.5 डॉलर के, लेकिन वापस से डाउन पे आ रहा है, लेकिन मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्टेड एक ऊपर जाएगा और ये प्रॉफिट हिट करेगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे देखो ये एक मैंने सेल एंट्री का बुकिंग कर रखा है यहाँ पे, स्टॉप क्या बोलते हैं उसको यार, सेल लिमिट लगा रखा है यहाँ पे कि इस पोजिशन आते अपने ऑटोमेटिक वो सेल हो जाए, और इसलिए मैंने क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये एक बार अप गया फिर डाउन आया फिर अप गया, तो यहाँ पे आके मैं सेल लिमिट यहाँ पे लगा रखा है मैंने, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे जब हिट होगा स्टॉप लॉस मैं यहाँ लगा लूंगा और टेक प्रॉफिट में यहाँ लगा दूंगा, लेकिन देखते हैं ये ट्रेड जो भी का मेरा करेंट ट्रेड है यह प्रॉफिट जाता है लॉस में जाता है, क्योंकि ये फिर से डाउन पे जा रहा है अपोजिट ऑफ माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लॉस में जाएगा तो 2.49 डॉलर का लॉस में हम भी फिर सह लेंगे, क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं आगे का बात।